हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। नॉरसेट 2021 स्पेशल नर्सिंग प्रायोरिटी एमसीक्यू सेशन 9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दीपावली के शानदार पर्व के बाद नॉरसेट 2021 को फतेह करने की जंग को कैरी ऑन कर रहे हैं। रिलैक्स नहीं होना बच्चों, रुकना नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि असली सेलिब्रेशन जो होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का, वो आपके सिलेक्शन के बाद होगा। तो अपने मेहनत को कैरी ऑन करते हुए आज इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करें, जहां पर ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू है जो एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट मे बी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिले। तो क्लास को स्टार्ट होने से पहले एक बार लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा, और आई होप कि इट विल बेनिफिशियल फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शेयर इट एवरीवन। सावित्री, विजेंद्र, प्रियंका, सुमन, रूपाली, नेहा, गजेंद्र, डॉक्टर शिमरन, टेक्निकल, नीलम, गौरी प्रजापति, भगवान, पूजा, सरिता, सुषमा, शिवा, खुशबू, प्रदीप हुड्डा। ओके फाइन, आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एवरीवन। परिवर्तन मुश्किल है, परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन जरूरी भी है। परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन जरूरी है। जो खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अपने आप को हर सिचुएशन में आप ढाल लेंगे, या अपने आप को हर सिचुएशन में ढालने वाला पर्सन जिंदगी में सफल व्यक्ति बनता है। तो आपको भी स्ट्रगल पीरियड में अपने आप को हर सिचुएशन में ढालने की कोशिश जारी रखना है, और नॉरसेट 2021 में जीतकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे बच्चों। ओके फाइन, आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करें, जहां पर पहला एमसीक्यू आज के सेशन का ये आ रहा आपके सामने। व्हेन प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट, ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट एन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। देखिए बच्चों, इंडवेलिंग कैथेटर को ही हम क्या बोलते हैं, फॉलिस कैथेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिस कैथेटर बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और बता देता हूं, ये इंडवेलिंग जो कैथेटर है ये टू वे भी होता है, ये टू वे भी होता है, थ्री वे भी होता है, और इसको हम रिटेंशन कैथेटर भी बोल सकते हैं बच्चों। रिटेंशन कैथेटर भी बोलते हैं। रिटेंशन कैथेटर का मतलब कैथेटर को एडमिनिस्टर करने के बाद ये कैथेटर कुछ टाइम तक वहीं रहते। थैंक यू शुभम, दैट वी कैन से रिटेंशन। तो क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन प्रिपेयर, आप प्रिपेयर कर रहे हो इंसर्ट एंड इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इन द मेल। याद रखना बच्चों, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, मेल पेशेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डू व्हाट। एक मेल पेशेंट को फॉलिस कैथेटर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। डियर नर्स क्या करेगी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डू व्हाट। थोड़ा वेट करना, जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। लॉजिकल एमसीक्यू है, इतना आसान नहीं है, बट मेरी उम्मीद है कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपका आंसर सही होगा। रिमूव द कॉटन बॉल फ्रॉम द किट फॉर लेटर यूज। जो हम पेशेंट का फॉलिस कैथेटर का किट लेके आते हैं, वहां से कॉटन बॉल को रिमूव करना है बाद में यूज करने के लिए। बी में लिखा है एडवांस द कैथेटर 10 to 12 inch और अंटिल यूरिनरी फ्लो। मतलब हमें कैथेटर को पेशेंट के यूरेथ्रा में इंसर्ट करना है 10 से 12 इंच, या जब तक इंसर्ट करता रहना है तब तक पेशेंट का यूरिनरी फ्लो प्रेजेंट ना हो, यूरिनरी फ्लो प्रेजेंट ना हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सी में लिखा है लुब्रिकेट द फर्स्ट 5 to 7 inches ऑफ द कैथेटर, और डी में लिखा है होल्ड द पेनिस एट 45 degree एंगल ड्यूरिंग इंसर्शन। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉमन सेंस यूज करिएगा, ओवर स्मार्ट मत बनना, आंसर सही मिलेगा। चारों में से राइट क्या होगा, मैं हिंट देता हूं कि यदि हम मेल और फीमेल के यूरेथ्रा की बात करें
तो मेल का यूरेथ्रा लगभग 19-20 सेंटीमीटर होता है बच्चों, और वो हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग रहता है माय लविंग फाइटर्स, तो 19-20 सेंटीमीटर मेल में होता है, 4 सेंटीमीटर फीमेल में होता है। तो इससे कुछ आपको आइडिया लगा होगा, तो क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने डी लिखना सी लिखना स्टार्ट किया। देखिए कॉटन बॉल की यहां पर जरूरत नहीं है, 10 से 12 इंच हम कभी भी इंसर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 10 से 12 इंच करोगे इतनी लेंथ भी नहीं होती यूरेथ्रा की। पेनिस को 45 डिग्री पे ना होल्ड करके 90 डिग्री पे होल्ड किया जाता है, ये सभी को पता है। जब भी हम पेशेंट को, मेल पेशेंट को यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं तो पेनिस को 90 डिग्री पे होल्ड किया जाता है, ना कि 45 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 90 डिग्री पे पेनिस को होल्ड करके फिर ग्लास पेनिस को ओपन करना है, फिर एरिया क्लीन करना है, फिर कैथेटर को इंसर्ट करना होता है। ओके फाइन, मतलब आप सभी का आंसर यहां पर सी करेक्ट था। मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं। एक तो पहली बात, तो जब भी कैथेटर को लुब्रिकेंट करते हैं तो मेल की मैंने आपसे पूछा, यहां पर मैंने आपको 5-7 इंच पूछा, बट कभी कभी बच्चों ये सेंटीमीटर में भी पूछा जा सकता है, वन जो इंच होता है, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, याद रखना, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। मैंने आपको इंच में पूछा तो 5-7 आपने लिखा, यदि आपको यही सेंटीमीटर में पूछते हैं तो 12.5-17.5 सेंटीमीटर आपको लिखना था। थैंक यू सो मच शशांक। तो ये आपको यहां पर समझ होगा कि यदि आपसे पूछे फीमेल, या मेल मेंशन किसका, फीमेल पूछे तो बच्चों 2.5-5 सेंटीमीटर वुमन्स के अंदर हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। 2.5-5 सेंटीमीटर का मतलब 1-2 इंच, 1-2 इंच, मैंने कहा था 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन, यस और नो? ओके फाइन, एक और बात आपको बता देता हूं। अब यदि आप पोजीशन की बात कर, यदि आपसे पूछे हैं कि पेशेंट को कैथेटराइजेशन करवाना है, और कैथेटराइजेशन करवाने में सीधा पूछे कि कौन सी पोजीशन देना है, तो आपको लिखना है डोर्सल, ध्यान से देखना बच्चों, आपको लिखना है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। कभी कभी यहां मेंशन कर देते हैं, स्पेशली मेल का पूछेंगे तो आपको यहां आंसर बदलना होगा। आपको मेल का पूछे तो सुपाइन लिखना रे बदमाश बच्चों, सिर्फ मेल का पूछे तो सुपाइन लिखना, और आपसे कॉमन पूछे कि विच पोजीशन विल एडमिनिस्टर ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, तो आंसर क्या आएगा, डोर्सल रिकमेंड। यदि आपसे पूछे मेल में कौन सा, तो आपको सुपाइन, और आपसे पूछे फीमेल में कौन सा, यदि आपसे इंडिविजुअल फीमेल का पूछे तो भी यही लिखना, डोर्सल रिकमेंड पोजिशन, डोर्सल रिकमेंड पोजिशन। ओके फाइन, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? एक और बात बता देता हूं बच्चों, ये डोर्सल रिकमेंड पोजिशन का यूज जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यदि किसी पेशेंट का करना होगा तो भी बच्चों डोर्सल रिकमेंड पोजिशन। डोर्सल रिकमेंड का मतलब होगा पेशेंट जो है बेड पे सीधा लेटेगा, और उसका नी जो है ये 90 डिग्री पे होगा, देखना बच्चों, नी जो है ये 90 डिग्री पे होगा, पैर जो, और पेशेंट जो है वो सीधा लेटेगा, मतलब नी फ्लेक्स्ड है, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, लेग को स्लाइटली ओपन करते हैं, दैट पोजीशन वी कैन से डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द कैथेटर स्लिप, ध्यान से समझना बच्चों, द कैथेटर स्लिप इन टू द वेजाइना, मतलब कैथेटर जो है स्लिप होकर के वेजाइना के टूवर्ड्स आ गया ड्यूरिंग स्ट्रेट कैथेटराइजेशन। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्ट्रेट कैथेटराइजेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं इन एंड आउट कैथेटर, या इसको बोलते हैं नॉन रिटेंशन, या हम इसको बोल सकते हैं नॉन रिटेंशन, मतलब हम इस कैथेटर को कॉमनली वन टाइम यूज करते हैं, पुट किया यूरिनरी ब्लेडर को एम्प्टी किया और यूरिन को रिमूव किया, इसलिए इसको इन एंड आउट कैथेटर के नाम से प्रोनाउंस भी करते हैं। तो द कैथेटर स्लिप इन टू द वेजाइना ड्यूरिंग स्टेज कैथेटराइजेशन ऑफ अ फीमेल क्लाइंट, व्हाट नर्स
एक्शन। डियर नर्स क्या करेगी, डियर नर्स क्या करिए, शुक्रिया शशांक। डियर नर्स क्या करिए, यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। लीव द कैथेटर इन अ प्लेस एंड गेट न्यू स्टराइल कैथेटर। क्या डियर नर्स उस कैथेटर को हटा करके नया स्टराइल कैथेटर यूज करेगी, या फिर लीव द कैथेटर इन अ प्लेस एंड आस्क अनदर नर्स टू अटेम्प्ट द प्रोसीजर। उस कैथेटर को लीव कर लेगी और अनदर नर्स को पूछेगी यू शुड कम एंड ट्राई इट। लिखा रिमूव द कैथेटर एंड रीडायरेक्ट इट टू द यूरिनरी मिएटस। कैथेटर को रिमूव किया और दोबारा पुट किया जाएगा क्या यूरिनरी मिएटस में, या फिर रिमूव द कैथेटर वाइप। देखिए बच्चों, वाइप्स इट विथ ए स्टराइल गॉस एंड रीडायरेक्ट इट टू द यूरिनरी मिएटस। आपको एक बात का ध्यान रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी कैथेटर एक बार पुट करने के बाद यदि वो स्लिप आउट होकर के वेजाइना या सराउंडिंग पार्ट में पहुंचता है तो कैथेटर डिसइंफेक्टेड हो जाता है और उस कैथेटर को आप दोबारा रीइंसर्ट करोगे तो यूरिनरी ब्लेडर में इंफेक्शन कॉज कर सकता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना और आंसर पुट करना कि कैथेटर स्लिप होकर वेजाइना में आता है ड्यूरिंग स्ट्रेट कैथेटराइजेशन फीमेल पेशेंट में, तो डियर नर्स क्या करेगी, डियर नर्स क्या करेगी। देखिए गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं हिंट दे रहा हूं, कैथेटराइजेशन में हमेशा स्टराइल टेक्निक का यूज करते हैं। पहली बात, एक बार कैथेटर एडमिनिस्टर किया और कैथेटर जो है यदि रिमूव हो गया तो री इंसर्ट नहीं करना है, री इंसर्ट। वेरी गुड मॉर्निंग रितु रानी। तो अब सोच के आंसर पुट करेगा बच्चों, सोच के आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इतना तो भगवान ने दिमाग दिया होगा, डी के पीछे मत पड़ो नालायक हो, डी गलत होगा। देखिए सही आंसर ए होगा, डी में क्या लिखा है, रिमूव द कैथेटर वाइप विद स्टराइल। कभी भी नहीं करते, कभी भी ये टेक्निक यूज करके रीडायरेक्ट तो करना ही नहीं है। तो सही क्या होगा, उस कैथेटर को रिमूव कर लेना है और आपको नया स्टराइल कैथेटर पुट करना है। याद रखना, यू शुड पुट योर कॉमन सेंस। जो कैथेटर हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर किया और एडमिनिस्टर करते समय स्लिप होके वेजाइना पे आया तो डेफिनेटली वो कैथेटर डीकंटामिनेटेड हो चुका है, और अब आप रीइंसर्ट करोगे तो बैक्टीरिया को लेके ज्योति राजपूत डोनेटिंग 221 रुपए, 221 ज्योति राजपूत डोनेटिंग 221 रुपीज टूवर्ड जे आई एन सी स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच माई लविंग फाइटर ज्योति। तो बच्चों कभी भी कैथेटर को रीइंसर्ट नहीं करना, यू शुड यूज अनदर न्यू स्टराइल कैथेटर। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी यदि आप रीइंसर्ट करते हो। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, एक बात का ध्यान रखिएगा बदमाशों, कॉपी पेस्ट की आदत फिर जनरेट हो रही है आपकी। गौतम कुमार त्रिपाठी, गौतम कुमार त्रिपाठी डोनेटिंग 40 रुपीज towards JINC student fund. Thank you so much Gautam. Bachcho, please do not try to do. Bilkul koshish mat kariyega copy paste ki. Question ki language ko padhiyega. Aapko acche se pata hai ki jab bhi catheterization karte to sterile technique ka use karte. Why we should administer, re-administer? Kyun karenge? To itna to common sense use karna aapko. Ek din ka gap kya hoga badmaashi shuru. The patient is a complaining of the cramping. Patient is a complaining of the cramping during instillation of the enema solution. Patient ko enema solution ko administer karte samay, patient complain kara ki mujhe cramps ho rahe. What is the most appropriate action by the nurse? देखिए आप यहां पर सारे नर्सिंग प्रायोरिटी वाले एमसीक्यू पढ़ रहे हैं बच्चों, और नर्सिंग प्रायोरिटी एमसीक्यू नॉर्थ से 2020 में 15 से 20 मिलेंगे। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि क्रैम्पिंग हो रहा है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द एनिमा सॉल्यूशन। मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन नर्स के द्वारा क्या होगा। ब्रह्मदेव डोनेटिंग 19 रुपीज, थैंक यू सो मच ब्रह्मदेव। स्टॉप द इंस्टॉलेशन एंड रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द रेक्टम। क्या हम पेशेंट के इंस्टॉलेशन को स्टॉप करके एनिमा ट्यूब को रेक्टम से रिमूव कर देंगे। बीम लिखा हैव द पेशेंट टेक डीप ब्रीथ, हैव द पेशेंट टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द नोज। क्या हम पेशेंट को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करेंगे। उस्मान, मेरा बच्चा उस्मान खान डोनेटिंग 21 रुपीज, थैंक यू उस्मान। सीम लिखा है रेज द हाइट ऑफ एनिमा कंटेनर। क्या हम पेशेंट के एनिमा कंटेनर की हाइट को और बढ़ा देंगे, क्या हम पेशेंट के
एनिमा कंटेनर डिवाइस की हाइट को और बढ़ा देंगे या लोअर द हाइट ऑफ द एनिमा कंटेनर। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस फिर यूज करना, नर्सिंग प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते रहना बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि पेशेंट है उसको कंप्लेन हो रहा क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, कब कर रहा है, जब आप इंस्टिल कर रहे हैं पेशेंट को एनिमा सॉल्यूशन, तो डियर नर्स का एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, क्या होगा बच्चों। क्विक आंसर पुट करिएगा, क्विक आंसर पुट करिएगा। सपोज ये पेशेंट लेटा हुआ, ये पेशेंट लेटा हुआ है, यहां पर पेशेंट है और ये पेशेंट के एक पर्टिकुलर हाइट पे एनिमा केन है और पेशेंट को एनिमा पुट किया जा रहा, तो डेफिनेटली हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ज्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से जब बंच ऑफ फ्लूड एकदम आपके रेक्टम के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो क्या होगा बच्चों, क्रैम्पिंग होगा, क्या होगा, क्रैम्पिंग होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस हाइट को कम करना चाहिए, मतलब लोअर द हाइट ऑफ द एनिमा कंटेनर, जिससे फोर्स कम होगा और क्रैम्पिंग मिनिमाइज होगा, फोर्स कम होगा क्रैम्पिंग मिनिमाइज होगा। दैट इज अ राइट आंसर, दैट इज अ राइट आंसर माय लविंग फाइटर्स। क्योंकि जब भी पेशेंट को एनिमा दे रहे हैं तो टेम्परेचर डेफिनेटली सॉल्यूशन का प्रॉपर यूज करना है और आप पर्टिकुलर हाइट से यदि पेशेंट को एनिमा डिलीवर कर रहे हैं, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे क्रैम्पिंग हो रहा है, यू शुड डाउन द हाइट ऑफ एनिमा कैन, और जैसे ही एनिमा कैन की हाइट कम करोगे फोर्स कम होगा, पेशेंट का क्रैम्प सबसाइड होगा, देन अगेन रेज कर सकते हो, फिर से आप रेज कर सकते हो बच्चों। तो डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रोक, देखिए स्ट्रोक जो है इसको हम सीवीए भी बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और स्ट्रोक और सीवीए का मतलब होता है कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से नर्वस सिस्टम के सेल और टिश्यूज का डेथ होना स्ट्रोक और सीवीए कहलाता है, स्ट्रोक और सीवीए कहलाता है। क्लाइंट हु हैज इनिशियली ऑन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, सीवीए का पेशेंट है और इनिशियली उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग स्टार्ट किया है, वॉज एबल टू टॉलरेट सॉफ्ट डाइट, अब पेशेंट जो है सॉफ्ट डाइट को टॉलरेट करने लग गया फीडिंग के बाद, सो द फिजिशियन ऑर्डर टू रिमूव ऑफ इट, फिजिशियन ऑर्डर टू रिमूव इट बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से समझिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, मैंने क्लियर मेंशन किया है, स्ट्रोक का पेशेंट है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनिशियली उसको लगी हुई थी, अब पेशेंट डाइट को टॉलरेट करने लग गया, तो अब उस पेशेंट का राइस ट्यूब को निकालना है, तो डियर नर्स उस ट्यूब को निकालने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन देगी, क्या इंस्ट्रक्शन देगी, एम लिखा इनहेल एंड एक्सहेल साइमल्टेनियसली, मतलब आपको सांस को अंदर लेना है फटाफट बाहर निकालना है, बीम लिखा टेक ए लॉन्ग ब्रीथ एंड होल्ड इट, आपको लॉन्ग ब्रीथ ले करके ब्रीथ को होल्ड कर लेना, रुक जाना है, लिखा है डू ए वेल्सवेल मैनेवर, मतलब पेशेंट बोला कि वेल्सवेल मैनेवर में रेडी हो जाओ, और डी में लिखा ब्लो द नोज, नोज को बंद कर देना है, नोज को बंद कर देना है। मुझे पता था अलग अलग आंसर आएंगे, डूंगर प्रजापर डोंट बी ओवर स्मार्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, सही आंसर को चुने, रट्टू तोता बनोगे नुकसान हो जाएगा, रट्टू तोता नहीं बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना बच्चों। यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से एक को सिलेक्ट करना है कि हम पेशेंट की राइस ट्यूब को निकाल रहे हैं, राइस ट्यूब को निकाल, सपोज ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, और ये पेशेंट का दैट यू कैन सी ट्रेकिया, ये ट्रेकिया, और ये जो दिख रहा है ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, दैट इज एपिग्लोटिस, दैट इज एपिग्लोटिस। अब पेशेंट को राइस ट्यूब को रिमूव करना है, पेशेंट की राइस ट्यूब को रिमूव करना है, तो क्या स्टेप्स होगा, फटाफट आपको आंसर पुट करना है, फटाफट आपको आंसर पुट करना, विच इज राइट आंसर, गलत मत करना, गलत मत करना बच्चों। बी आपका आंसर आ रहा है, बी आपका आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने बी आंसर लिखा, बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टेक ए लॉन्ग ब्रीथ एंड होल्ड इट को हम वेल्सवेल मैनेवर बोलते हैं, इसी को वेल्सवेल मैनेवर बोलते हैं, बट पेशेंट को आप बोलेंगे कि आप फटाफट वेल्सवेल मैनेवर ले लीजिएगा, पेशेंट कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, पेशेंट नहीं अंडरस्टैंड होगा, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को कहना है कि लंबी सांस को लेना है और ब्रीथ को होल्ड करना, इवन होल्ड का पूछे तो होल्ड का ड्यूरेशन कभी कभी पूछते हैं, तो 6 सेकंड लिखना,
छह सेकंड तक ब्रीथ को होल्ड करना। और इसका पर्पस क्या होगा, जैसे आपने ट्यूब को यहां से रिमूव किया और यदि ब्रीथ को होल्ड नहीं किया यहां पर आते आते पेशेंट ने सांस को अंदर लिया तो स्टोमक कंटेंट कहां चला जाएगा बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी निमोनिया हो जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ब्रीथ को होल्ड करवाना है। कितने सेकंड तक होल्ड करवाना है, 6 सेकंड तक जो है ब्रीथ को होल्ड करवाना है। दैट मैकेनिज्म वी कैन से वेल्सवेल मैनेवर। इसी मैकेनिज्म क्या बोलते हैं हम, वेल्सवेल मैनेवर बोलते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स के बच्चे जो लगातार डिमांड करें कि सर कोर्स नहीं मिल रहा है, तो बच्चों कोर्स अवेलेबल कर दिया है। ₹1500 इसकी प्राइस है, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है, और इसमें 100 एमसीक्यू का जो आपका पेपर आ रहा है उसमें 80 एमसीक्यू आपकी नर्सिंग से है, प्लस 20 एमसीक्यू अदर सब्जेक्ट से है। पूरा कंटेंट इस कोर्स में पुट कर दिया गया है और इसका ऑफर 7 नवंबर 2021 तक है, कल तक इसका ऑफर होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके आप कोर्स को बाय कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नर्स असिस्टिंग द पोस्ट ऑपरेटिव अडल्ट पेशेंट, मतलब एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव है, अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट है, माय लविंग फ्यूचर प्रियंका पाल, यदि भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो यूपीएनएचएम की अलग से क्लास नहीं होता, यही क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपने नर्सिंग किया था तो नर्सिंग करते समय आपके सिलेबस में कहीं लिखा हुआ था कि मैं यूपीएनएचएम के लिए नर्सिंग पढ़ रही हूं, मैं सीएचओ के लिए नर्सिंग पढ़ रही हूं, मैं फलाना फलाना एग्जाम के लिए नर्सिंग पढ़ रही हूं, नालायक को, इतना तो दिमाग होना चाहिए। रम्या मिचल राजन डोनेटिंग 100 रुपीज। तो बच्चों मैंने क्लियर मेंशन किया है कि पेशेंट है वो पोस्ट ऑपरेटिव अडल्ट पेशेंट है, मतलब सर्जरी के बाद का पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज सब्जेक्टिव डाटा, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का वो कौन सा डाटा है जो हम नोट करेंगे, उस डाटा को हम कहेंगे सब्जेक्टिव डाटा। क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डाटा। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कोवर्ट डाटा, बता देता हूं कोवर्ट डाटा, और पिक्चर क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्टिव अगेन मतलब होता है व्हाट पेशेंट कैन सेज, जो पेशेंट हमें बताता है उस डाटा को हम सब्जेक्टिव डाटा कहेंगे, उस डाटा को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डाटा कहेंगे। मतलब क्लियर है, एक पेशेंट एडमिट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, अडल्ट का मतलब 18 से 65 साल का पेशेंट होगा, और मैंने क्लियर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज ए सब्जेक्टिव डाटा, कौन से डाटा को डियर नर्स जो है एज ए सब्जेक्टिव डाटा नोट करेगी, सब्जेक्टिव डाटा नोट करेगी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने यहां पर मेंशन किया है वाइटल साइन, बी में लिखा हुआ है लेबोरेटरी टेस्ट, सी में लिखा हुआ है पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, और डी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेव फॉर्म। मतलब इन चारों में से वो डाटा आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो पेशेंट ने हमें बताया, व्हाट पेशेंट कैन सेज, और जो पेशेंट हमें बता रहे हैं। देखिए सुरेश, गलत आंसर। देखिए बदमाश को इतना बता दिया है कि सब्जेक्टिव का मतलब जो मरीज हमें बता रहा है, क्या वाइटल साइन पेशेंट आपको बता देगा, क्या वाइटल साइन पेशेंट आपको बता सकता है, हाउ कैन पॉसिबल। यू शुड मॉनिटर वाइटल साइन एंड ओनली यू आर गेटिंग रेडी। जब तक आप वाइटल साइन खुद मॉनिटर नहीं करोगे तब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलेगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव डाटा होगा ना, व्हाट वी आर ऑब्जर्व, हम जो ऑब्जर्व करें दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल है। लेबोरेटरी रिजल्ट क्या पेशेंट बता सकता कि मेरा WBC कितना, मेरा हीमोग्लोबिन कितना, मेरा प्लेटलेट कितना, हाउ कैन पॉसिबल। तो ये भी कौन सा हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव डाटा हुआ जो लेबोरेटरी से आया। द पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, पेशेंट कहेगा मुझे यहां दर्द हो रहा है, फिर यहां दर्द हुआ, जोर से हुआ, रुका, आगे बढ़ा, रेडिएट हुआ, ये मरीज की प्रॉब्लम है। डीम लिखा ECG, हाउ कैन पेशेंट डूइंग ECG, पेशेंट खुद तो ECG नहीं कर सकता, तो विच इज द सब्जेक्टिव डाटा। अब समझ में आया ना,
नीता डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू नीता, बिल्कुल सही आंसर, दैट इज अ सी आपका जो है सही आंसर। मैंने कहा बदमाशों को कि जैसे सब्जेक्टिव डाटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा को हमेशा हम ओवर डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओवर डाटा कहते हैं, और ओवर डाटा का मतलब जो हम ऑब्जर्व करें, जो हम ऑब्जर्व करें। थैंक यू प्रियंका डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच। तो हम जो ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्टिव डाटा है। हम क्या कर रहे हैं? हम वाइटल साइन मॉनिटर कर रहे हैं, हम लेबोरेटरी से रिजल्ट ले रहे हैं, हम पेशेंट का ईसीजी कर रहे हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव डाटा। समझ में आया ना? जल्दीबाजी में मार खाओगी, गलतियां करोगे, इतना आसान एमसीक्यू, उसको भी कुछ बच्चे जो है वो गलत करें, वो गलत करें। तो यहां समझ में आ गया होगा, जो पेशेंट हमें बता रहा है उस डाटा को हम सब्जेक्टिव कहेंगे, जो हम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि द नर्स इज अ परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट। फिर एक डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डियर नर्स एब्डोमिनल असेसमेंट को परफॉर्म करी है और उसने क्या किया? एंड इंस्पेक्ट द स्किन ऑफ एब्डोमन। मतलब डियर नर्स ने स्किन ऑफ एब्डोमन को इंस्पेक्ट किया। द नर्स परफॉर्म विच असेसमेंट टेक्निक नेस्ट। मतलब पेशेंट आया, उस पेशेंट को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पहला स्टेप डियर नर्स ने इंस्पेक्शन जो है पूरा कर लिया, समझ रहा है? इंस्पेक्शन वाला स्टेप पूरा कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन क्लियर पूछा है कि नर्स परफॉर्मिंग एब्डोमिनल असेसमेंट, वो एब्डोमिन का असेसमेंट परफॉर्म कर रही है और उसने क्या किया? स्किन ऑफ एब्डोमन को इंस्पेक्ट कर लिया, स्किन ऑफ एब्डोमन को इंस्पेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट असेसमेंट टेक्निक क्या होगी? ऑप्शन में लिखा पैल्पेट द एब्डोमन फॉर साइज, बी में लिखा पैल्पेट द लिवर एट द राइट मार्जिन, सी में लिखा है लिस्टन द बाउल साउंड इन ऑल क्वाड्रेंट, और डी में लिखा है परकशन द राइट लोअर क्वाड्रेंट इनटू क्वाड्रेंट। फिर गलत करोगे, मार पड़ेगी। इस बार छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखना, इस बार छोड़ने वाला नहीं हो। क्वेश्चन को फिर से समझना, एब्डोमिन की बात कर रहा हूं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, ना कि फिजिकल एग्जामिनेशन। एक बात क्लियर कर देता हूं, फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टेप्स अलग होंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में स्टेप्स अलग होंगे, हमें दोनों याद करना है। मैंने बदमाशों को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के स्टेप्स की बात की है, इसलिए जल्दीबाजी करके आंसर गलत मत करिएगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में डियर नर्स ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया इंस्पेक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये एमसीक्यू आपसे पूछा है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है, इसीलिए थोड़ा सब्र करके आंसर दीजिएगा। मैं दोनों पिक्चर क्लियर करने वाला हूं, एब्डोमिनल क्या होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा। यह अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों, नॉर्सेट अब हमसे दूर नहीं है, आंसर करेक्ट आना चाहिए, जो टाइम है यहां पर आंसर करेक्ट आना चाहिए, गलतियां बर्दाश्त नहीं होगी, गलतियां बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी लिखा है, ज्यादातर बच्चों ने सी लिखा है, और आदत अभी भी गई नहीं है कॉपी पेस्ट करने की, आदत गई नहीं है कॉपी पेस्ट करने की। तो सी आपने यदि लिखा है तो सी राइट है, सी राइट है। पर्थ यादव डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू पर्थ, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको क्लियर समझाता हूं, यहां मैंने लिखा है कि एक पेशेंट को एब्डोमिनल असेसमेंट किया जा रहा था, डियर नर्स ने स्किन का इंस्पेक्शन कर लिया, दूसरा स्टेप्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब यहां पर आप देखिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर करता हूं, इस फोटो को देख के आप मुझे बता सकते हो, हम इसी पोजीशन को डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन कहते हैं। अभी मैंने आपको कैथेटराइजेशन में पढ़ाया था, अभी कैथेटराइजेशन पढ़ाया था, इसी पोजीशन को डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन कहते हैं। पेशेंट सीधा लेटा सुपाइन पोजीशन, नी फ्लेक्स्ड है, नी जो है वो फ्लेक्स्ड है, और नी फ्लेक्स का रीजन क्या है? ये एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करता है, एब्डोमिनल जो मसल्स है, एब्डोमिनल जो मसल्स है उनको रिलैक्स करती है बच्चों ये टेक्निक, ताकि हम एब्डोमिनल ऑर्गन को आराम से पैल्पेट कर सके। पहली बात समझना, पोजीशन कौन सी देंगे पूछेंगे चाहे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, तो हमें आंसर देना है डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। डॉर्सल रिकमेंड का मतलब पेशेंट सीधा लेटेगा, पैर को मोड़ेगा, क्यों बच्चों? क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। आपने कई बार हॉस्पिटल सेटअप में देखा होगा, डॉक्टर कहता है कि पैर को फोल्ड करो, फिर आपके एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं, दैट पोजीशन वी कॉल इट डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। ओके फाइन, अब इस पोजीशन को देने के बाद में पहला स्टेप में लिखा है कि यदि हम एब्डोमिनल असेसमेंट की बात करें तो आईएपीपी याद रखना बच्चों,
आईएपीपी याद रखना, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट ऑन द स्पॉट क्लियर करने वाला हूं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या होंगे, दोनों के स्टेप्स अलग होंगे, दोनों के स्टेप्स अलग होंगे। आईएपीपी से समझना, पहला इंस्पेक्शन, इसी क्वेश्चन में आपका पहला क्लियर हो गया था इंस्पेक्शन, और क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि सेकंड स्टेप क्या होगा, तो आपको आंसर में ऑस्कल्टेशन लिखना था, आपको आंसर में ऑस्कल्टेशन लिखना था। आईएपीपी का मतलब फिर परकशन, और सबसे लास्ट में पाल्पेशन लिखा है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, सबसे लास्ट में पाल्पेशन लिखा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने क्लियर लिखा है इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन परकशन और पाल्पेशन आईएपीपी। सिर्फ एक स्टेप बदलूंगा पूरी कहानी बदल जाएगी, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज आईएपीपी। ओके, बहुत बढ़िया। अब यही मैं चेंज करता हूं पोजीशन, मैंने आपको बता दिया। यदि मैं बात करता हूं कि पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिजिकल एग्जामिनेशन में थोड़ा वेरिएशन है, आईएपीपी की जगह आईपीपीए हो जाएगा, मतलब यहां पर ए जो है ऑस्कल्टेशन वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, अगेन इंस्पेक्शन एज इट इज है। दूसरा यहां पर पाल्पेशन लिखा हुआ है, तीसरा यहां पर परकशन लिखा हुआ है, और चौथा यहां पर ऑस्कल्टेशन, मतलब यहां ऑस्कल्टेशन यहां पर सबसे लास्ट में चला जाएगा, दैट वी कैन से फिजिकल एग्जामिनेशन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आते हैं, और यहां लिख देता हूं बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और साथ में लिख देता हूं बच्चों नॉर्सेट, नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू। डेफिनेटली चाहे पोजिशन पूछे, चाहे आपको सिक्वेंस पूछे, चाहे सीक्वेंस पूछे, एक एमसीक्यू यहां पर बनता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पर बनता है कि पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते समय क्या क्या स्टेप्स होगा, इंस्पेक्शन के बाद ऑस्कल्टेशन, देन बच्चों परकशन दम पाल्पेशन। वही हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो अगेन इंस्पेक्शन के बाद में यहां पर पाल्पेशन हट जाएगा, परकशन आ जाएगा, उससे पहले पाल्पिटेशन आ जाएगा। तो अभी कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, अभी क्वेरी नहीं होना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, एक मरीज इमरजेंसी में आता है, एक मरीज इमरजेंसी में आता है, और आकर के आफ्टर बीइंग स्टिंग, मतलब उस पेशेंट को मधुमक्खी के डंक लगे, इतना हिंदी में पुट किया, अब समझ में नहीं आया तो आपकी गलती होगी, मैंने लिखा इंग्लिश में कि आफ्टर ए बी स्टिंग, बी मतलब मधुमक्खी, बी स्टिंग का मतलब मधुमक्खी के डंक के बाद, क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू बी, पेशेंट को मधुमक्खी से पहले ही एलर्जी थी, देन हैविंग डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग व्हाट क्लाइंट रिएक्शन शुड कॉज नर्स मोस्ट कंसर्न। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कहते हैं पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आने से पहले उसको मधुमक्खी काट चुकी थी, और मधुमक्खी काटने से उसको एलर्जी होती है, उसका हिस्ट्री बताता है, ये हिस्ट्री बताता है, और पेशेंट जब आया तो सांस में बड़ी तकलीफ हो रही थी, सांस में बड़ी तकलीफ हो रही थी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी था, तो डियर नर्स जो है व्हाट क्लाइंट रिएक्शन शुड कॉज द मोस्ट नर्स मोस्ट कंसर्न, पेशेंट के कौन से रिएक्शन को डियर नर्स कंसर्निंग पॉइंट में पुट करेगी। ऑप्शन देखना, थैंक यू सुख प्रीत चीना फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, थैंक यू सुख प्रीत चीना फ्रॉम अमेरिका, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन में लिखा है बच्चों इसीमिया, बी में लिखा है एस्पेक्सिया, सी में लैक्टिक एसिडोसिस, डी में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब कौन से पैरामीटर जो है मोस्ट कंसर्निंग है, मोस्ट कंसर्निंग। देखिए इसीमिया का मीनिंग होता है बच्चों लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी, आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई का कमी होना इसीमिया कहलाता है। एस्पेक्सिया का मतलब बोल सकते स्टेट ऑफ सफोकेशन, मतलब पेशेंट जो है वो सांस लेना चाह रहा है बट बहुत मुश्किल हो रहा है। सी में लैक्टिक एसिडोसिस है, और डी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अब आपको आंसर पुट करना है,
आपको आंसर पुट करना, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। मतलब पेशेंट को यहां ब्रीथिंग डिफिकल्टी लिखा है, मधुमक्खी की एलर्जी थी, तो इतना तो आपके पास दिमाग है, इससे एलर्जिक रिएक्शन होगा, और एलर्जिक रिएक्शन क्या करता है, स्पाजम करता है, स्पाजम से क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयर ऑब्स्ट्रक्शन से पेशेंट को सांस में तकलीफ होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, तो ये मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट क्या होगा, पेशेंट को एस्पेक्सिया से आराम दिलाना, पेशेंट को एस्पेक्सिया से रिलीज करवाना। बहुत बढ़िया आंसर, ये आंसर अब इस बार सही दिया है मैंने, क्लियर लिखा है एस्पेक्सिया आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को जैसे ही बी स्टिंग हुआ, मधुमक्खी ने काटा, तो आपके ब्लड में वो सब्सटेंस पहुंचा और उसने क्या कॉज किया, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन या एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन या टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इससे पेशेंट को स्पाजम हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, स्पाजम कैन कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रिजल्टिंग कैन कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो सबसे कंसर्निंग पॉइंट क्या होगा, एस्पेक्सिया, कंसर्निंग पॉइंट क्या होगा, एस्पेक्सिया इंपॉर्टेंट है, एयरवे मेंटेन करना फर्स्ट प्रायोरिटी। हमने क्लियर लिखा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन प्रोड्यूस एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन विथ एन एडिमा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिजल्टिंग रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और एस्पेक्सिया हो सकता है। तो कंसर्निंग पॉइंट हुआ एस्पेक्सिया, बिकॉज यहां डियर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टू मेंटेन एयरवे, टू मेंटेन एयरवे। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी। तो आपको समझ में आया बच्चों, ये नर्सिंग प्रायोरिटी वाले एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मे बी आस्किंग नॉर्सेट 2021। ओके फाइन, ओके फाइन, बहुत बढ़िया, विल बी मूव फर्दर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता कि क्लाइंट हैड एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, Which electrolyte levels should nurse monitor most closely? एक और important parameter है, client have extensive prolonged surgery, patient जो है उसको extensive prolonged surgery already है, which electrolyte levels should nurse monitor mostly? मतलब prolonged surgery के बहुत सारे complications होते हैं, my loving future nursing officer, thank you Sujita, a client had extensive prolonged surgery, लंबी surgery, Which electrolyte level should nurse monitor most closely? Sodium, calcium, chloride और potassium. चारों में से क्या बात है? बच्चों ने यहाँ पर सही आंसर पुट करना शुरू कर दिया है. My loving fighters, keep it up. बहुत बढ़िया. Carry on करिएगा. सही आंसर मिल रहा बिल्कुल सही. जिन्होंने भी लिखा बच्चों, potassium. Clear है. Because prolonged surgery से क्या होगा? Adrenocortical स्टीरॉइड हार्मोन रिलीज होगा, और इसका रीजन क्या होगा, सर्जरी का तनाव, स्ट्रेस की वजह से कि मुझे सर्जरी होगी, क्योंकि प्रोलॉन्ग सर्जरी चलेगी, और उस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को एड्रिनोकॉर्टिकल स्टीरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से रिटेंशन होगा सोडियम और एक्सक्रीशन होगा पोटेशियम। इसलिए डियर नर्स का काम है कि हमें पोटेशियम को मॉनिटर करना है कि पोटेशियम की कमी की वजह से बहुत सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि स्ट्रेस है पेशेंट को, स्ट्रेस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज एड्रिनोकॉर्टिकल स्टीरॉइड हार्मोन का रिलीज करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और वो आकर के गड़बड़ करेगा, वो पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देगा। तो पोटेशियम यहाँ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, डियर नर्स की तरफ से मॉनिटर करने में। बच्चों बहुत बढ़िया, क्वेश्चन कहता है कि नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद डायरिया, एक केयर कर रही पेशेंट, जिसको पेशेंट को क्या है बच्चों, डायरिया है। विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज नर्स एंटिसिपेट टू डिक्रीज, ये वर्ड याद रखना। मतलब पेशेंट को क्या है बच्चों, डायरिया। डायरिया की वजह से पेशेंट को फ्लूड लॉस हुआ। फ्लूड लॉस होने की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्किन में चेंजेस मिलेगा। मैंने कहा है कौन सा वो इंटरवेंशन है, डियर नर्स को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर है जो एंटिसिपेट कर रहा है कि इसकी वजह से वो डिक्रीज हुआ। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन। ऑप्शन देखिएगा, पल्स रेट इंडिकेटर होगा, टिश्यू टर्गर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बॉडी टेम्परेचर। देखिए बच्चों, मैंने वर्ड लिखा एंटीसिपेट टू डिक्रीज,
इन चारों में से डायरिया की वजह से क्या डिक्रीज होगा। हमेशा याद रखना, डायरिया में फ्लूइड लॉस होता है तो पल्सेट इंक्रीज होगा, हाइपर टैकीकार्डिया होगा। यहां पर जैसे पेशेंट का फ्लूइड लॉस होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा फ्लूइड लॉस की वजह से। आपके पास एक पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है, जब भी बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब भी फ्लूइड की कमी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ता है, जब भी फ्लूइड की कमी होगी तो पल्सेट बढ़ता है। और प्रॉब्लम किसके साथ आता है? स्किन इंटरगर, बिकॉज स्किन इलास्टिसिटी विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरस्टीशियल फ्लूइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, थोड़ी डांट के बाद आप में सुधार दिख रहे हैं, हो सकता है ये कल की छुट्टी का रिलैक्सेशन आपको डाइवर्ट कर रहा था, और या फिर डांट खाने की आदत पड़ चुकी नालायकों को। जब तक डांट नहीं पड़ती है गलत ट्रैक पे जाते, और जैसी डांट पड़ी आपके सारे आंसर सही आने लग जाते हैं क्योंकि आप और फोकस बढ़ाते हो। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, हर इंस्ट्रक्शन में कहता हूं, प्लीज क्वेश्चन को दो बार पढ़ें, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो। दो बार क्वेश्चन पढ़ने की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में क्लियर हो जाते हैं कि मुझे आंसर क्या पुट करना। फिर आप ऑप्शन की तरफ आइएगा, आपका ऑप्शन कभी गलत नहीं जाएगा, कभी गलत नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना कि जी ललचाए रहा ना जाए, चार लाइन क्वेश्चन का है और अपनी नजर पहले ही ऑप्शन पे पड़ गई तो सारा रायता वहीं फैलता है, सारी गड़बड़ वहीं होती, क्योंकि बार बार अपनी नजर ऑप्शन पे जाएगी, हम क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज व्हेन यू सॉल्व द पेपर यू विल फोकस ऑन एमसीक्यू, यू शुड ट्राई टू रीड फॉर टू टाइम्स, डेफिनेटली योर आंसर 100% गोइंग टू बी करेक्ट। मैं अभी बताने वाला हूं आज का इंपॉर्टेंट पेपर है, आज आपको अच्छे से पता होगा, आगे फर्दर मैं डिस्कस करूंगा, बट प्लीज आज की इस अपनी एक्टिविटी जो मैं आपको कंसर्न कर रहा हूं इसको अप्लाई करना आज ही के पेपर में, और काफी सुधार मिलेगा, काफी सुधार मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों, लाइव बैच, क्योंकि दीपावली वेकेशन खत्म, दिवाली खत्म, अब जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच के कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा, लाइव बैच होगा और ये बैच जो होगा ये थ्योरी बैच होगा, ये थ्योरी बैच होगा, इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 6 मंथ होगा। फर्क इतना है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ करके पढ़ सकते हो, और आपको सिर्फ फर्क होगा आप अपने घर पे होंगे, जेएनसी टीम के मेंबर जेएनसी डिजिटल स्टूडियो में होंगे, आपके हर चैट पे आप क्वेरी पूछ सकते हो, आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। और सबसे खास बात, ये लाइव बैच का टाइम होगा 3 to 7 PM का, शाम को 3 to 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी, और 3 to 7 PM की इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद आपके ऐप में सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद अगले 1 ईयर तक ये क्लास आपके पास रहेगी। इसके साथ बच्चों वीकली टेस्ट होगा, ट्यूसडे को जो टेस्ट होगा ये टेस्ट आपको बताएगा 1 वीक में आपने क्या पढ़ा, 1 वीक में आपने क्या पढ़ा। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट नर्सिंग पढ़ेंगे, और टीम JINC आपको पढ़ाएगी, जो टीम ऑफलाइन यहाँ पर आप पढ़ाती है वही टीम आपको वहां ऑनलाइन पढ़ाने वाली है। इट्स ए ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, घर बैठ के अपना सपना साकार कर सकते हो इस लाइव बैच के साथ। तो ये बैच जो है 28 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको फीस पे करने के लिए मेरा 9636032 3 2 6 9 1 का नंबर दे रखा है, आप यहां पर पेमेंट करके अपना बैच कंफर्म करें, अपना बैच कंफर्म करें, ताकि आप इस 28 नवंबर को स्टार्ट होने वाली जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नर्स असिस्टिंग ए क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, डियर नर्स एक पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है असिस्ट कर रही है, इन अ लेबोरेटरी रिपोर्ट व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इन अ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड शुड नर्स कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कितना आसान एमसीक्यू था, इसको घुमा दिया। क्वेश्चन ये था कि डियर नर्स है वो असिस्ट करिए इलेक्ट्रोलाइट को, और लेबोरेटरी से जैसे रिपोर्ट आया तो कौन सा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसको कंसिडर करेंगे मोस्ट इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है बच्चों। मैंने लिखा सोडियम, देन कैल्सियम, देन क्लोराइड, देन पोटेशियम। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराना मत, बहुत आसान एमसीक्यू है, मैं क्लियर पुट कर रहा हूं। ये आपके पास सेल है बच्चों, ये आपके पास सेल है, सेल में दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होगा, प्राइमरी हो सकता है या हम बात कर सकते हैं सेकेंडरी,
प्राइमरी हम देखेंगे तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और ये पोटेशियम 98% होता है टोटल आउट ऑफ 100%। और प्राइमरी आप देखोगे तो सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है बच्चों, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है। अब कहानी समझ में आ गई, डी सबका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइमरी इंट्रासेल्युलर कैटायन सबसे ज्यादा प्राइमरी सेल के अंदर कौन होगा तो पोटेशियम, सेल के बाहर प्राइमरी कौन होगा तो सोडियम। यदि कभी कभी आपसे सेकेंडरी पूछे तो सेकेंडरी में सेल के अंदर ज्यादा कौन होगा मैग्नीशियम और सेल के बाहर ज्यादा कौन होगा कैल्शियम। दैट इज अ वी कैन डिस्कस अबाउट कैटायन। कैटायन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी पॉजिटिव चार्जेस, दीज आर द कैटायन। और पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने वाले इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम प्राइमरी सेल के अंदर ज्यादा होता है, सोडियम प्राइमरी सेल के बाहर ज्यादा होता है और वही बच्चों मैग्नीशियम सेल के अंदर सेकेंडरी ज्यादा होता है और कैल्शियम सेल के बाहर सेकेंडरी ज्यादा होता है। दैट वी कैन से प्राइमरी और सेकेंडरी। एग्जाम में कभी प्राइमरी पूछते हैं कभी सेकेंडरी पूछते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिख करके सीधा पूछा है तो आपको किसको प्रीफर करना है, प्राइमरी को। किसको प्रीफर करना बच्चों, प्राइमरी को प्रीफर करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है कि नर्स इज कैरिंग फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हु हैड जनरल एनेस्थेसिया, मतलब पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है उसको जनरल एनेस्थेसिया दिया गया था ड्यूरिंग सर्जरी। व्हाट इंडिपेंडेंट, ये वर्ड याद रखना बच्चों, ये वर्ड याद रखना, व्हाट इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में प्रिवेंट एन एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन। कौन सा वो डियर नर्स का इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है जो सिक्रीशन को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर से आपको जिक्र दे रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, डियर नर्स केयर कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट का जिसको जनरल एनेस्थेसिया दिया गया था सर्जरी के टाइम। कौन सा इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है वो प्रिवेंट कर सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बच्चों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने ऑप्शन में लिखा है पोस्चुरल ड्रेनेज, देन कपिंग द चेस्ट, देन नेजोट्रैकियल सक्शनिंग, देन फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। फिर से हिंट दे रहा हूं, फिर से हिंट दे रहा हूं बदमाश बच्चों को, जनरल एनेस्थेसिया पेशेंट को दिया ड्यूरिंग सर्जरी, कौन सा इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर सकता, मतलब पेशेंट के द्वारा वो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कौन सा होगा जो सिक्रीशन को एक्यूमुलेट होने से रोकेगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही सुपर पार्टिसिपेशन। देखिए पोस्चुरल ड्रेनेज जो है ये डिपेंडेंट इंटरवेंशन है, डिपेंडेंट है। जब हम पोस्चुरल ड्रेनेज को लगाएंगे एयर को पुश करके तभी ये सिक्रीशन को कलेक्ट करेगा। कपिंग जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी में हमें पेशेंट के बैक पे इस तरीके से स्ट्राइक करना पड़ता है, दैट इज अ एक्टिविटी ऑफ कपिंग। कपिंग का मतलब हम हाथ को कप शेप बनाना है और पेशेंट के चेस्ट पे ऐसे मारना है जिससे चेस्ट वाइब्रेट होगा और सिक्रीशन लूजन डाउन होकर के और बाहर आने लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। नेजोट्रेकियल सक्शनिंग पेशेंट खुद नहीं कर सकता है, इसको हमें करना पड़ता है। तो ऑप्शन बचा फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन कैन कॉज ड्रेनेज। जो पेशेंट के माउथ में सिक्रीशन कलेक्ट होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा और एक्यूमुलेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, एक्यूमुलेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स ओवर एवरीवन। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं यहां पर, कुछ भी क्वेरी लगे यू शुड आस्क, तुरंत पूछे, क्योंकि मैं जितना भी ये सेशन आपके सामने पुट कर रहा हूं लगातार नर्सिंग प्रायोरिटी के एमसीक्यू पुट कर रहा हूं। मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, प्रीवियसली मैंने इमेज बेस्ड आपको पढ़ाया, उसके बाद अभी मैंने प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन को यूज किया, वो आपके सामने है। शाम को डेली 3:00 इंपॉर्टेंट क्लास कंटिन्यू चल रही है नॉर्सेट तक। और याद रखना 16, 17, 18 और 19 स्पेशली 18 और 19 की टाइगर क्लास वो धमाका करने वाली बच्चों, जो आपने शायद सपने भी नहीं देखा होगा कि ये क्वालिटी कंटेंट लास्ट के 2 दिन में हमें मिला और वो सीधा नॉर्सेट क्रैकिंग होगा बच्चों। उसकी प्रिपरेशन टीम JINC लगातार कर रही है, आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है, हर एक क्लास को अडॉप्ट करना, टाइम के साथ आपको चलना होगा और फिर नॉर्सेट 2021 का रिजल्ट बताएगा
कि जेआईएनसी से पढ़े हुए बच्चे कितने सेलेक्ट हुए, रियल सिलेक्शन वहां से पता चलेगा बच्चों, रियल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर क्लाइंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। बड़ा आसान एमसीक्यू है कि तुरंत सर्जरी के बाद जब पेशेंट होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, उस समय प्रायोरिटी इंटरवेंशन पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। क्वेश्चन को फिर समझना कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग इमीडिएट, वर्ड का मतलब तुरंत, इमीडिएट का मतलब रखना बच्चों तुरंत, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तुरंत जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डियर नर्स का पर्पस क्या होगा, पर्पस क्या होगा। ए लिखा मॉनिटरिंग वाइटल साइन, बी में लिखा ऑब्जर्विंग फॉर द हेमरेज, सी में लिखा मेंटेन पेटेंट एयरवे, और डी में लिखा है रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट। बच्चों इमीडिएट का मतलब समझ जाना, इमीडिएट का मतलब समझ आना, पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि पेशेंट सर्जरी के बाद है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डियर नर्स की प्रायोरिटी इंटरवेंशन। प्रायोरिटी का मतलब सबसे पहले, प्रायोरिटी का मतलब देखिए नालायक आगे मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन मॉनिटर करना प्रायोरिटी होगा क्या? सांस ले नहीं पाएगा, एयरवे ब्लॉक हो गया तो वाइटल साइन मॉनिटर करके क्या करोगे है? कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, मॉनिटर वाइटल साइन आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो करना ही है, जिंदगी भर करना है। बट क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा, हर जगह कुछ भी मत चिपकाइएगा प्लीज। मॉनिटर वाइटल साइन क्लियर लिखा है कि ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव सबसे इमीडिएट क्या होगा, पेशेंट का एयरवे पेटेंट रखना है। आपका एयरवे तो ब्लॉक है, आप बीपी चेक करने जाओगे, एयरवे मेंटेन करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और एयरवे मेंटेन है तो फर्दर स्टेप को आप कैरी कर सकते हो। जब सांस ही नहीं ले पाएगा पेशेंट, क्या कर लोगे वाइटल साइन मॉनिटर करके? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे ए नर्स कैन हेल्प द क्लाइंट टू डिक्रीज एंजाइटी। देखिए मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जितने भी बच्चे अभी क्लास को वॉच करें, सभी को नॉर्सेट 2021 को लेके एंजाइटी हो रही होगी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहां पर पूछा है कि यहां पर एप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा डियर नर्स को पेशेंट की एंजाइटी को कम करने का, पेशेंट की एंजाइटी को कम करने का डियर नर्स की तरफ से सबसे एप्रोप्रिएट वे क्या होगा, तरीका क्या होगा। अब आपको आंसर बताना है, अब आपको आंसर बताना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आंसर आपके सामने। मैंने लिखा कि आप पेशेंट के अनप्लेजेंट इवेंट को अवॉइड करोगे, पेशेंट को कहोगे अपने अनप्लेजेंट इवेंट को छोड़िएगा। बी में लिखा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द फियरफुल सिचुएशन, या उस डरावनी सिचुएशन में लंबे समय तक पेशेंट को रखोगे। सी में लिखा एक्वायर स्किल विथ विच ऑफ द फेस स्ट्रेसफुल इवेंट, कौन सा स्ट्रेसफुल इवेंट आप फेस कर रहे हो उससे लड़ने की स्किल डेवलप एक्वायर करना। और डी में लिखा इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ प्लेजर, खुशी इनटू द फियरफुल सिचुएशन। देखिए डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डियर नर्स की, देखिए ये बच्चे लिखा है इनफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिजीज, सुपर करिश्मा सिंह मेरा बच्चा, थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, फिर आंसर लिखे, फिर आंसर लिखे। मैंने क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट वे ए नर्स कैन हेल्प ए क्लाइंट टू डिक्रीज एंजाइटी, मरीज की एंजाइटी कम करने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा होगा डियर नर्स का, कौन सा तरीका सबसे अप्रोप्रिएट है। डी आप लिख रहे हो, डी में लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ प्लेजर, खुशी के वो एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करें जो पेशेंट को फियरफुल सिचुएशन से हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सके, हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सके। डी आपका लगातार आंसर आ रहा है, देखिए डी लगातार आप पुट कर रहे हो, कुछ तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं जो मैंने ऑप्शन में लिखा ही नहीं है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके आंसर और थॉट फिक्स होते हैं, क्वेश्चन आप कुछ भी डालोगे उनके और रटे रटाए आंसर तुरंत दिख जाएंगे आपको। इसका मतलब आपने कभी समझ के नहीं पढ़ा, आपने रट लिया कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। मन को संतुष्टि मिल सकती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकती है, और सिलेक्शन तभी होता है जब क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ करके चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को आप चूज कर पाते हो जो आपको राइट मिलता है। दैट इज अ वे हाउ टू सेलेक्ट। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आंसर दिखाई नहीं, अपना छाप दिया, दिस इज नॉट द वे टू गिव आंसर। यू शुड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी एमसीक्यू
एंड थिंक इट एंड गिव द आंसर, तब आपका बच्चों आंसर करेक्ट होगा। यहां पर आपने डी लिखा है, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि सॉरी सी सी लिखा है क्योंकि डी में आपने लिखा है कि उसको आपने इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ प्लेजर, खुशी इनटू द फियरफुल सिचुएशन। जब आपके दिमाग के अंदर एंजाइटी है तो खुशी ढूंढने से नहीं मिलती आसानी से, आपको क्या करना है उस सिचुएशन से लड़ने की पेशेंट को स्किल डेवलप करनी है, एक्वायर्ड स्किल विथ विच ऑफ द फेस स्ट्रेसफुल, मतलब मरीज कौन सी सिचुएशन से फेस कर रहा है उस सिचुएशन से फाइट करने की स्किल डेवलप करना, दैट इज अ राइट आंसर, दैट इज अ राइट आंसर। मैंने कहा था ना डी 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 आप लिखते जा रहे थे एक दूसरे की कॉपी करके और ये आंसर आपका गलत हो जाता, मैंने क्लियर लिखा है हमें हर सिचुएशन, अभी आप जैसे नॉर्थ सेट का एग्जाम दे रहे हो आपके दिमाग में बहुत सारी एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी किससे हो रही होगी, पेपर पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 3 घंटे कैसे मैनेज करूंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, ये उटपटांग सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। इसका एक ही जवाब है, पढ़ाई करते रहो और उस 200 MCQ पेपर का प्रैक्टिस करो और ये स्किल जब आप अडॉप्ट कर लेंगे तो नॉट सेट क्लियर हो जाएगा। और यही तरीका यहां पर डियर नर्स जो है उस पेशेंट को सिखा रही है कि आप जिस सिचुएशन से डर लग रहा है यू शुड ट्राई टू फाइट। तो क्लियर लिखा है एक्वायर स्किल विथ विच फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इवेंट, और आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना बच्चों। तो यहां पर बच्चों सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, डियर नर्सिंग ऑफिसर इज अ टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट एडिक्वेट, अगेन देखना डियर नर्सिंग ऑफिसर ये वर्ड को देखना, टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट एडिक्वेट हैंड हाइजीन, मतलब पेशेंट को एडिक्वेट हैंड हाइजीन के बारे में टीच करें, हैंड हाइजीन के बारे में टीच करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो डियर नर्सिंग ऑफिसर टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट एडिक्वेट हैंड हाइजीन, व्हाट कंपोनेंट ऑफ हैंड वॉशिंग शुड नर्स इंक्लूड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू पूछा है, ये एमसीक्यू पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि हैंड वॉशिंग का वो कौन सा कंपोनेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन आपके सामने सोप, टाइम, वॉटर, फ्रिक्शन, सोच के आंसर देना, क्वेश्चन को घुमाया है बट पूछा यहां पर है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इट विल हेल्पिंग टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा, सोप, टाइम, वॉटर, फ्रिक्शन, क्या बात है, फ्रिक्शन जिन्होंने लिखा है, फ्रिक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालने के लिए हैंड का फ्रिक्शन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ये कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे जो है वो टाइम लिखते हैं, आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जितना रब करोगे जितना फ्रिक्शन करोगे उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी जगह से डिस्प्लेस होने में मदद मिलेगी, दैट इज द राइट आंसर, फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। मैंने यहां पर मेंशन किया बच्चों, मैंने मेंशन किया है कि 40-60 सेकेंड जो है नॉर्मली सोप वाटर हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन है, मैंने मेंशन किया है 20-30 सेकेंड है हैंड रब हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन है, तीसरा लिखा है 3-5 मिनट है, कम से कम 60 सेकेंड या 1 मिनट मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम है, और 5-10 मिनट एटलीस्ट 90 सेकेंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम है। और ये मैं बता देता हूं बच्चों, नॉर्सेट लिख रहा हूं, नॉर्सेट 2021 में ये एमसीक्यू आ सकता है, हैंड वॉशिंग पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या तो पूछेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको फ्रिक्शन लिखना है, या पूछेंगे कि सोप वाटर हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन 40-60 सेकेंड लिखना है, या आपको क्या बोलते हैं हैंड रब हैंड वॉशिंग, आपने कोविड में इस हैंड वॉशिंग की बड़ी प्रैक्टिस की होगी बच्चों, हैंड रब हैंड वॉशिंग ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 20-30 सेकेंड, क्योंकि कोविड सिनेरियोस और कोविड में 20-30 सेकेंड वाला पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपका यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल निकुंज मरु, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, नेक्स्ट गुड न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिजिटल क्रांति पेनड्राइव कोर्स इंडिया में एकमात्र नर्सिंग इंस्टीट्यूट आपका JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर के द्वारा 9999 में
पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल किया बच्चों। इस पेन ड्राइव कोर्स की खासियत, एक तो इसमें लिखा पढ़े घर बैठे बिना इंटरनेट, मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, घर बैठ के बिना इंटरनेट आप जेएनसी का कोर्स लेके स्टडी कर सकते हो और पर मंथ 600 से 700 रुपए बचा सकते हो। एक बड़ा अमाउंट जो आप इंटरनेट पे खर्च करते हो, सर्वर का इश्यू खत्म हो जाएगा। और मैंने लिखा है बच्चों इसमें 1200 प्लस क्लासेस डाली हुई है, प्लस बच्चों 4000 प्लस एमसीक्यू आपको ऐप पे मिलने वाले हैं, साथ में कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट के साथ रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, सारे सब्जेक्ट के साथ साथ JINC की जो ए टीम है, जिसको हम कोर टीम बोलते हैं, ए टीम के द्वारा रिकॉर्ड की गई क्लास है। जो टीम ऑफलाइन में पढ़ाती है वही जो है वो ऑनलाइन में आपको टीच करी है। सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाइए, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके मेल आईडी से लॉगिन करें और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। और आने वाले 4 से 5 दिन में कोर्स आपके घर पे पहुंच जाएगा विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। और इस कोर्स में आप सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को बाय कर सकते हो बच्चों। और मैंने कहा ना वन कोर्स फॉर वन नेशन। और खास बात आज की, खास क्या है आज, आज का खास क्या, JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर ने आज बच्चों 6 नवंबर है और JINC का फ्री जो थर्ड मॉडल पेपर है, अभी JINC जोधपुर के ऐप पे अवेलेबल है। आप अभी क्लास के बाद इस पेपर को जरूर दीजिएगा। इसमें 200 MCQ है, इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। और बच्चों ये पेपर आपका सारे नर्सिंग सब्जेक्ट रीजनिंग मैथ्स को मिक्स करके बनाया हुआ है, मतलब इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। यू कैन डू प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट, और आप सिलेक्शन के और एक्सपर्ट और फर्निश होंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को देना ना भूले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज ही प्ले स्टोर पर जाना, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना, मेल आईडी से लॉग इन करना और आप इस पेपर को, चाहे आप लैपटॉप पे दें तो JINC की वेबसाइट से दे सकते हो, बट पेपर जरूर दें। तो आज की इंपॉर्टेंट जर्नी यही तक थी। शाम को 3 बजे आज इंपॉर्टेंट क्लास माइक्रोबायोलॉजी पे बनने वाले MCQ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक 3 बजे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का रेस्पेक्ट, बड़ों की इज्जत, जिंदगी में किसी की बुराई न करने के साथ खुश रह करके आगे बढ़ते रहिएगा। यही JINC का फॉर्मूला है, खूबसूरत लाइफ जीने का, और मेहनत करते रहिएगा बच्चों। तो शाम को 3 बजे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।